आज मैं अपने भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेके आया हूँ, जो लोग सबटाइटल्स के लिए परेशान होते हैं, राइट। अपनी बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज़ होती हैं जो आपकी लैंग्वेज में नहीं है, बट वो आप देखते हैं और देखना चाहते हैं, और दूसरों की वीडियोज़ को देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि वो कब यानी डब में शामिल होगी, आपकी लैंग्वेज में आएगी वो, राइट, और हम देख पाएंगे, राइट। इस एप्लीकेशन की मदद से आप कोई भी मूवी यूट्यूब की हो गई, वेब सीरीज़ यूट्यूब की हो गई, और कोई भी ड्रामा हो गया जो आपकी लैंग्वेज में नहीं है, उस उनके सबटाइटल्स को आप बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, उन वीडियोस को बहुत आराम से देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, राइट। जाके आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए कि ये एप्लीकेशन काम किस तरह करती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा, ओके कर देना। ओके करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये आपके पास फॉरेन लैंग्वेज दिखाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करना, सबसे पहला वाला ऑप्शन लेना, ये आप देख रहे हो अदर लैंग्वेजेस, इस पे आप जाओगे ओके कर दोगे। ओके करने के बाद अगर आप इंडिया से हो, राइट, सो आप हिंदी सेलेक्ट कर लेना, मैं पाकिस्तान से हूँ, राइट, मैं उर्दू में देखना चाहता हूँ सबटाइटल्स, जो भी वीडियो में देखना चाहता हूँ, जो भी ड्रामा में देखना चाहता हूँ, यहाँ से करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कोई छेड़छाड़ी नहीं कीजिएगा, मैं आपको मेन जो चीज़ें हैं वो समझा रहा हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा भैया, इसके अंदर बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हो ऊपर एक आइकन बना हुआ है YouTube का, ठीक है, और एक आइकन बना हुआ है सेटिंग्स का। अब देखो मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उर्दू को सिलेक्ट किया है, ठीक है, उर्दू को सिलेक्ट किया है, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी आप वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद YouTube पर हम करेंगे क्लिक। जब आप YouTube पे क्लिक करोगे तो ये आपको YouTube के ऊपर ले जाएगा, राइट, ये बिल्कुल आपका YouTube है, ऑलराइट। ओके, यहाँ पर मैं एक ड्रामा बहुत शौक से देखता हूँ, उसका नाम है माई लेफ्ट साइड। इस ड्रामे को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये तुर्किश ड्रामा है बेसिकली, ठीक हो गया। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, कोई भी जो आप देखना चाहते हैं वो आप YouTube पे सर्च कीजिए, राइट। उसके बाद आप मतलब अभी आपको सीन दिखाता हूँ, ये देखो ये डेमो भी दिखा रहा है, नीचे आप देख रहे हैं जो लाइट ब्लू कलर के अंदर सबटाइटल्स, ये किस तरह, ये सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, सिर्फ समझ लीजिएगा। ऑलराइट, यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यह YouTube का ऐड चल गया, हम इसको ऐसे पहले हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, फिर मैं अपने भाइयों को आगे लेके चलता हूँ, ये हमने कर दिया कट। ओके, अब देखो ये वाला जो सबसे नीचे आइकन देख रहे हो, इसको क्लिक करोगे तो ये तुम्हारा मतलब ये वाला पेज हट जाएगा, यानी कि ये वो पेज है जिसमें आपके सबटाइटल्स चलेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद ये वाला सीन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पहले मैं ड्रामे को आगे कर दूँ, राइट, ये मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा है, इसको मैंने आगे कर दिया ताकि जहाँ पर लोग बोल रहे हों। ओके, देखें यहाँ पर उर्दू में चल पड़े, यानी कि नीचे आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ म्यूज़िक होगा वहाँ पर म्यूज़िक लिखा हुआ आएगा, राइट। अब जब ये बोलेंगे तो यहाँ पर मैंने ट्रांसलेट किया था उर्दू के अंदर, तो ये उर्दू के अंदर ट्रांसलेट हो रहा है और इंग्लिश के अंदर। अब ये वाला जो आइकन है ना, जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ ये इंग्लिश में हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करोगे तो इंग्लिश उर्दू में हो जाएगा, मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो सिर्फ उर्दू में हो जाएगा। यानी जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे वो उसी लैंग्वेज के अंदर सिंगल, अगर आप सिंगल इसी लैंग्वेज में देखना चाहते हो अपनी ही लैंग्वेज के अंदर, तो आप चाहते हो कि इंग्लिश में ना चले, राइट, तो नहीं चलेगा। अच्छा, एक सेटिंग मैं अपने भाइयों को, जो ये मेरी अपनी टेक्निक है, आप ऊपर 3 डॉट्स देख रहे हो, जो भी मूवी देख रहे हो, जो भी ड्रामा देख रहे हो, जो भी कोई भी, इस 3 डॉट्स पर क्लिक करना, प्लेबैक सेटिंग में जाना। अब मुझे मालूम है कि ये ड्रामा तुर्किश ड्रामा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कैप्शंस, राइट, इस पे मैंने सेलेक्ट किया, मुझे मालूम है कि ये तुर्किश ड्रामा है, मैंने तुर्किश पे सेलेक्ट कर लिया, और राइट, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको उर्दू सेलेक्ट कर दूंगा। यानी बात को समझिएगा कि देखो ये अगर इंग्लिश सबटाइटल्स को क्या नाम है ट्रांसलेट करेगा ना, तो उसमें थोड़े से वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट तुर्किश इनकी अपनी ज़बान का ये ड्रामा है, ठीक है, तो मैंने उनकी ज़बान ही सिलेक्ट कर दी ताकि वो जब गूगल इसको ट्रांसलेट करे तो वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आए, बात समझ रहे हैं मेरी, तो यहाँ पर इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये इनकी लैंग्वेज आ गई, मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो वो उर्दू में आ गया। अब ये वाले जो उर्दू आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेहतरीन अच्छे से काम कर रही है, मतलब ये लोग जो बोल रहे होंगे उसी को गूगल ट्रांसलेट करके यहाँ पर सबटाइटल्स में दिखा रहा है। एक दफा वॉल्यूम ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद ये आप ऑप्शन देख रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी में घुसना नहीं, राइट, ये देख रहे हो, अगर मैं इसको माइनस करता रहूँगा तो ये वीडियो हो जाएगी स्लो, जितना वीडियो आप स्लो करना चाहते हो उतनी स्लो हो जाएगी, और अगर आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो मतलब तेज़ में देखना चाहते हो तो देखो ये तेज़ हो गई, ठीक है, इसको आप 100 पे कर देंगे, ये मैंने 100 पे कर दिया, 3 लाइन्स में गए। इन सेटिंग्स में घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, अभी वीडियो को स्किप मत करना। अब देखो मैं यहाँ से करूँगा बैक कर दिया, दोबारा बैक कर दिया, ठीक है, और बाहर आ गया, बैक कर दिया, ठीक है। अब आप
यहाँ इस पोजीशन के आने के बाद जो आप देख रहे होंगे वो सब एक सब कुछ यहाँ पर आ तो रहा होगा। अब देखो सेटिंग, आप देख रहे हो ऊपर सेटिंग का आइकन, मैं वापस गया सेटिंग्स के अंदर। मान के चलो कि मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट, ओके, मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, राइट, यहाँ पर मैं गया एच के अंदर और हिंदी को सिलेक्ट किया मैंने, ऑलराइट, अब मैंने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया, वापस गया, वापस मैं यूट्यूब में गया, राइट, अब मैंने इसी ड्रामे को सर्च किया, चलो ये वाला ड्रामा खोल लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी में देखूँ उसको, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है, ओके कर देंगे इसको यहाँ से। अब देखो यहाँ पर इंग्लिश भी आ रहा है और हिंदी में भी आ रहा है, दोनों में आएगा, मैं चाहूँगा कि सिर्फ हिंदी के अंदर आए। सो देखो ये जो बोलेंगे, राइट, ये देखो ये जो बोल रहे हैं ये सब कुछ हिंदी में है, ऑलराइट, अब तुम्हें तो समझ में नहीं आएगा लेकिन हाँ हिंदी अगर आप इंडिया से हो तो डेफिनेटली आपके समझ में आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, बस तमाम भाइयों से बोलूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, टेंशन मत लीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।